दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ रसायन शास्त्र का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोट्रॉन में अंतर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर पहला अंतर तो यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित होता है, प्रोट्रॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ना तो इसमें धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे उदासीन होता है, उदासीन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई आवेश नहीं होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है द्रव्यमान की। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है इतना मान इसका होता है, आपको ध्यान रखना होगा कि 9.1091×10^-28। और जो द्रव्यमान होता है ना प्रोट्रॉन का, वो 1.67×10^-24 के लगभग होता है। इसे आप और देख सकते हैं अपनी पुस्तक में। और जो जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपका हो जाएगा 1.675×10^-24। उसके बाद में जो है कैथोड किरण में होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों से निकलता है। जब एक प्रैक्टिकल करते हैं वो कैथोड और एनोड वाला, तो उसमें जो कैथोड किरण होती है ना, कैथोड वाली जो पट्टी रहती है वहाँ से कैथोड जो है किरण से ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉन वो निकलता है, और एनोड से प्रोट्रॉन निकलता है। और अल्फा कण की बौछार करने पर जो है हमारा न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। जब अल्फा कणों की लगातार बौछार करते हैं, जब हमारा जो है अल्फा कण की बौछार करने पर जो है न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाता है। अब इनकी खोजकर्ता कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि जो सर जे थॉमसन है ना, सर जे थॉमसन, तो ये थॉमसन जो कहते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। और जो गोल्डस्टीन जी है, इन्होंने 1886 में गोल्डस्टीन ने है ना, इन्होंने जो है प्रोट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद में 1932 है, इस समय चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोट्रॉन में क्या अंतर है। फिर से मिलते हैं हम एक छोटा सा वीडियो में जल्द ही, जब तक के लिए गुड बाय।